कसाना गोत्र के अंदर साथियों 1812 में एक ऐसे वीर ने जन्म लिया जो हमेशा अन्याय के खिलाफ रहा, जिसने हमेशा अन्याय के खिलाफ साथियों कृपाण और तलवार उठाई। सजनों, एक समय का जिक्र है, मुगलों से युद्ध छिड़ा हुआ था, जिस युद्ध के अंदर हमारे बहुत से वीर योद्धा पहुंचे, लेकिन उन योद्धाओं पर साथियों फतेह हासिल नहीं की गई। उस समय का जिक्र कर रहा हूं जिस समय हमारे बाबा सफदल महाराज ने युद्ध किया, किससे? मुगलों से। आइए ये भजन आपके बीच में प्रस्तुत करते हुए चलते हैं। किस तरह से कृपाण हाथ में चला सब दल बलकारी, चला सब दल बलकारी, बताया गया। कैसे बताया, क्या बताया? I'm
सामान्य योद्धा नहीं था, उसने हिंदुओं के एक धाड़ को भगा दिया था। पहले जो लड़ने के लिए पलटन गई थी साथियों, उसके पंजे उपाड़ने का काम उस रुस्तम के पुत्र अली ने किया था। लेकिन घोड़ी पर सवार होकर के जिस टाइम महाराज सफदर महाराज चले थे, तो मन में यह प्रण ले लिया था, मन में यह धारणा कर ली थी कि मेरा शरीर बेशक से रहे या ना रहे, लेकिन इन मुगलों को आज सबक सिखा के आना है। किस तरह से अगली कली में बताया क्या लिखा भला, वार करया सब तल ने ऐसा, अली शीश का कल में होया, अली का शीश का नाम होया। भाटी गावे जोश में सहायक दुर्गे पा